अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर टिक्का तंदूरी, जिसको हम तंदूर भी करेंगे, और बहुत सिल्की स्मूथ इसकी ग्रेवी है। इसके फ्लेवर, इसकी खुशबू, हम जिस तरीके से बनाएंगे आप यकीन कीजिए, अगर आप बना लिया एक बार आपने तो इसकी जो टेस्ट होगा रेस्टोरेंट से कहीं ऊपर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले दिखाती हूँ अपनी दही। देखिए, मैंने दही को आधा किलो दही है, और मैंने इसको इस तरह से स्ट्रेनर पर डाल के छोड़ रखा है, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, मैं मलाई के अंदर डाल दूंगी। आप पूरी वगैरह बना रहे हैं तो इससे आटा गूंद सकते हैं। चलिए एक साइड करते हैं इसको। और ये मैंने प्याज ली है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, इनके पैटल्स इस तरह से बना लिए हैं। और पनीर को हमने इस तरह से कट किया है, थोड़ा सा बड़े और मोटे क्यूब्स में कट करना है। ये कुछ मसाले हैं, देखिए ये एक चम्मच मैंने बेसन लिया था, इसको ड्राई रोस्ट किया है, ये बहुत ज़रूरी है, इसका कच्चापन भी निकल जाता है और इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। यहाँ मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच से कुछ कम है, क्योंकि हम चाट का मसाला भी इसके अंदर डाल रहे हैं, ये आधा चम्मच है। और आधा चम्मच कसूरी मेथी है, मैंने इसके बाद इसको भी ड्राई रोस्ट किया था उसी पैन पे डाल के, तो ये क्रिस्पी हो गई है और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। ये दो चुटकी हल्दी है, और ये आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च। ये गरम मसाला पाउडर है आधा चम्मच, और ये भुना कुटा जीरा है आधा चम्मच, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट किया था। ये दो चुटकी मैंने ली है अजवाइन, और इनको क्रश कर लिया है हाथ से। ये एक नींबू जाएगा, इसकी जो हम मसाला बनाएंगे अपने पनीर टिक्के का, बहुत मज़े का बनेगा इस मसाले से। हमें एक कप के करीब इसकी जो दही है हमें ये लेनी है, करीब एक कप, क्योंकि इसके हम बनाएंगे अपना मसाला। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और ये जो हमने मसाले दिखाए थे ये सारे इसके अंदर जाएंगे। देखिए, इस तरह मसाले अगर हम दिखाते हैं तो अच्छे से समझ भी आ जाता है, और कोई चीज़ हम भूलते भी नहीं हैं, सारी एक साथ आ जाती हैं। नींबू मैं निचोड़ रही हूँ, नींबू का जो क्वांटिटी हमें रखनी है 4-5 चम्मच के करीब हमारा जो जूस है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो मसाला है थोड़ा सा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और एक चीज़ का बस खास ख्याल रखना है कि हमारी जो दही है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, पानी उसके अंदर बिल्कुल भी ना हो। तो आपको सबसे पहला काम जो है वो यही करना है कि आपकी जो दही है उसको स्ट्रेनर के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर रख के छोड़ दीजिए, ताकि उसका जो पानी है वो बिल्कुल अलग हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम अपनी सब्जियां और पनीर इसके अंदर मिक्स करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसके अंदर पनीर ऐड करूंगी। देखिए, पहले हम पनीर को मिक्स करेंगे बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि पनीर जो है वो उसका टूटने का डर रहता है। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम सब्जियां इसके अंदर ऐड कर देंगे, और 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे, ताकि इसके अंदर जो मसाले हैं वो अच्छे से आ जाएं। अब ये सब्जियां, इस तरह से देखिए टॉस करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो पनीर है वो ना टूटे, और बस इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक चम्मच भर के मेल्टेड बटर मैंने लिया है, आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम इनको तंदूर करते हैं ना तो इनके अंदर बहुत अच्छा बटर का फ्लेवर आता है, और वो हम गैस पे ही करेंगे। बस इसको मिक्स कर दीजिए और एक साइड रख दीजिए। 10-15 मिनट हो चुके हैं। देखिए, अब हम इन सारी चीज़ों को इस तरह से अपने स्क्यूअर्स में पिरोएंगे। एक पीस पनीर का, एक पीस प्याज, शिमला मिर्च, इस तरह से अलग अलग, इसका जो आपको जो भी पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है कि हम अलग अलग ही इसको करें। इस तरह से हम सारे पीसेस जो हैं इसके अंदर डाल देंगे। अब एक टमाटर का लगा देते हैं। बहुत शानदार ये हमारा जो टिक्का है
बनता है। आप एक बार घर में सब चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम घर में बनाना चाहें और वो ना बने, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत होती है वो कर लीजिए। और घर की चीज़ें हेल्दी होती हैं, टेस्टी होती हैं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है बताने की। देखिए इस तरह से हम सारी चीज़ों को लगाते जाएंगे और अपनी जो स्टिक हैं तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से ये अपनी सेट कर ली है। सिर्फ 250 ग्राम हमारा पनीर था, एक शिमला मिर्च थी और घर में बाकी सामान सारा होता ही है। और ये कितने सारे हमारे जो पनीर की स्टिक हैं, इसके ऊपर देख सकते हैं आप कितने सारे हमने तैयार कर लिए हैं और अभी बाकी रह भी गए हैं, बचे हुए हैं, इनको मैं बाद में करूँगी। हम रेस्टोरेंट वगैरह में कितनी महंगी खाते हैं ये चीज़ें, और बस घर में हेल्दी भी बनता है, अच्छा भी बनता है और बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा घर में ही बना के आप इनको अपने बच्चों को खिलाएं। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन रखा है और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ देसी घी। देखिए घर में बना रहे हैं, अपनों के लिए बना रहे हैं, तो कोशिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाएं। तो आप यहाँ अगर कोई सा ऑयल यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली देसी घी का ही यूज़ करती हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि टेस्ट भी बढ़ता है और अच्छे भी बन जाते हैं। ये वैसे ऑप्शनल है, आप बटर का यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए हीट आनी शुरू हो गई है, थोड़ी सी हमें अपनी जो फ्लेम है, देखिए हीट आनी शुरू हो गई है। अब हम अपनी स्क्यूबर्स को इसके ऊपर रखेंगे, बहुत ईजीली हो जाएंगे, कोई मेहनत हमें नहीं करनी है। एक दो मिनट के लिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ूंगी और उसके बाद हम इसकी साइडें जो हैं चेंज करेंगे, क्योंकि इस पे हमें हल्का सा ग्रिल का जो स्पॉट होता है वो लाना है। साइड चेंज कर दीजिए, पहले बीच वाली का हम जो साइड है वो चेंज करेंगे क्योंकि तेज होता है। बहुत प्यारा कलर हमारा इनके ऊपर आ चुका है, देखा मुझे इनके ऊपर जो ये मसाला है थोड़ा सा और हम डाल देंगे। थोड़ी सी मैं फ्लेम जो है वो लो कर देती हूँ और बस घुमाते हुए मैं हम सारी जो स्टिक हैं तैयार कर लेंगे। बहुत प्यारी स्मेल इस वक्त आ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। ऊपर से थोड़ा सा घी मैं और डाल रही हूँ ताकि बहुत अच्छा इसके अंदर टेक्सचर हमारा निकल के आए इस तरह से। आपको मैं फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इसके अंदर कितनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे टिक्के के अंदर। और ये देखिए बहुत अच्छे सीख चुके हैं, इसकी साइड थोड़ी सी इधर चेंज कर देते हैं और बस ये हो गए हैं। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ, अब चलते हैं हम इनको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। हमने अपनी जो गैस की फ्लेम है वो ऑन कर दी है और इस तरह की आपको एक नेट ले लीजिए जो ग्रिल नेट आती है। अगर वो नहीं भी है तो आपको करना क्या है, एक एक अपना स्क्यूवर्स लीजिए और उसको इस तरह से सेक दीजिए ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और इसकी जो साइडें हैं उसको हमें चेंज करना है। और देखिए इसका जो हमने बटर इसके अंदर डाला था वो मेल्ट होना शुरू हो गया है, बहुत प्यारा सा कलर हमारी जो चीज़ है इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत प्यारा फ्लेवर आ रहा है। कितना इजीली हमने ये टिक्का बना लिया है, तंदूरी टिक्का। बहुत इजीली आप घर पे ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ये देखिए बहुत, बस ऐसे घुमाते रहिए, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ हमें ये रेडी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, हमें इसके अंदर सिर्फ एक स्मोक देनी है, बाकी तो ये रेडी है। ये देखिए कोई बता नहीं सकता कि आपने ये घर में रेडी की। आपके पास स्क्यूवर्स नहीं है तो आपको करना क्या है, बस ये थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और ये जो हमारे पीसीज हैं इनको ऐसे सेक लेंगे, ये डाल दीजिए और अलग अलग इनको खोल दीजिए इस तरह
इसका जो मसाला है ये भी हमें सारा इसी तरह से इसी के ऊपर चिपका देना है और इनके ऊपर एक स्पॉट लाना है। बस इस तरह से हम इनको खोलना बहुत ज़रूरी है ताकि स्पॉट जो है सब पे अच्छा आ जाए, इवन आ जाए। ये मसाला भी हम देखिए सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक स्पॉट आ चुका है और फ्राई हो चुकी है। हम अपनी जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे और बस इनको एक जगह कर लेते हैं। बाकी मैंने इसके अंदर से पनीर इसके अंदर ही कर लिया है, अपनी इसके ओवर से निकाल लिया है। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर आधा कप सरसों का तेल पकाया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके यहाँ खाया जाता है। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है, दो हरी इलायची हैं, दो लौंग हैं और एक पीस छोटा सा है दालचीनी का। इनको हम क्रैकल होने देंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा तेज इसको ना करें क्योंकि अब इस पॉइंट पे मैं डालूंगी इसके अंदर। ये कुटा हुआ धनिया है, इसको इसके साथ हल्का सा हमें फ्राई देंगे। ऐसा करने से इसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब ये तीन बड़ी साइज की मैंने प्याज ली थी, इनको फाइन चॉप किया है, इसको डाल देंगे इसके अंदर। देखिए जो हमारी प्याज है इसको हमें बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का पूरा मतलब फ्राई करना है। देखिए यहाँ पर हमारी जो प्याज है उनके अंदर लाइट गोल्डन कलर अच्छा सा आ गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये मैंने दो टमाटर बारीक बिल्कुल पेस्ट बना लिया है, मीडियम साइज के थे। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये आधा चम्मच है। हमारे टमाटरों का कलर जो है काफी चेंज हो चुका है, देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। क्वार्टर स्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, क्वार्टर स्पून ही मैं डालूंगी इसके अंदर हल्दी, और ये आधा आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा हम लाल मिर्च डालेंगे। एक चम्मच भर के डाल रहे हैं धनिया पाउडर और नमक आधा चम्मच के करीब। और अब डाल देंगे इसके अंदर पानी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इस मसाले को बहुत अच्छे से हमें भूनना है, 5 से 7 मिनट दो तीन बार पानी डाल के इसको भून लीजिए। अच्छा, ये जो हमारे मसाले का बाउल था मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसके साथ हमें इसको अच्छे से पकाना है। इसका भी हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। मसाला देखिए हमारा काफ़ी अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ मैंने मलाई ली है अपने दूध की, आप इसकी जगह पर अमूल फ्रेश क्रीम जो आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। करीब आधा कटोरी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इससे इसका कलर भी और टेस्ट भी बहुत मज़े का होने वाला है। देखिए आप जब मलाई को उतारेंगे तो मलाई के साथ में थोड़ा सा दूध भी लीजिए और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर दीजिए। ये हो गई है, देखिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब हम पनीर वगैरह अपना डाल देंगे इसके अंदर तो उसको बहुत ज़्यादा चलाया नहीं जाता है वरना पनीर का हमारा टूटने का डर रहता है। अब इस पॉइंट पे हम अपनी फ्लेम ऑफ लो कर देते हैं, फ्लेम को हमने लो कर दिया है और अपना जो ये पनीर है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक बार चला देंगे और बहुत शानदार सा हमारा ये पनीर टिक्का तंदूरी विद ग्रेवी बन के रेडी है। चलिए 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रखूंगी, इन सारी चीज़ों का फ्लेवर एक साथ आ जाएगा। और फ्लेम हमने लो करके रखी है और उसके बाद इसको दम लगाने के बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखा कितना इजी है ये चीज़ें बनाना घर में। 2 मिनट के बाद हमने अपनी फ्लेम को ऑफ कर दिया था और ये देखिए बहुत शानदार सा हमारा जो पनीर है बन के रेडी है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कैसी रखनी है, फिलहाल ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम सर्व करते हैं।
ये देखिए कितना शानदार हमारा पनीर टिक्का तंदूरी विद ग्रेवी बनके तैयार हुआ है। इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू हमारे पूरे घर में महक रही है। कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।